गाइस तो फाइनली आप देख सकते हो जेईई मेंस 2025 एग्जाम डेट रिलीज कर दिया गया है और बहुत सारे स्टूडेंट गूगल सर्च कर रहे तो उनको फाइनली यही एग्जाम डेट यहां पर मेंशन हुआ दिख रहा है कि जो भी जेईई मेंस 2025 का फर्स्ट अटेम्प्ट है, सेशन फर्स्ट है, वो जनवरी सेकंड वीक में कंडक्ट होने जा रहा है। बट ये क्या ऑफिशियल है और क्या रियलिटी है? फाइनली आप सभी के एग्जाम लगभग एक वीक पहले ही कंडक्ट हो रहे हैं इस बार, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो रहने वाला है, यानी कि आपके पूरे यहाँ पर जो कंफ्यूजन है क्लियर होने वाले हैं, क्योंकि सभी जो यहाँ पर गूगल सर्च कर रहे हैं और उनको यहाँ पर जो जनवरी सेकंड वीक दिखा रहा है या मतलब क्या है, क्या इस बार आप सभी के एग्जाम बहुत जल्द कंडक्ट होने जा रहे हैं एक सप्ताह या फिर दो सप्ताह, क्योंकि आप सभी के जो एग्जाम है आपको पता है कि जनवरी के लास्ट में कंडक्ट किए जाते हैं। और साथ में इस वीडियो में आपको यह पता चलने वाला है कि आप सभी के ऑफिशियली रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होने वाले, मतलब आपको यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म जेईई मेंस सेशन वन के लिए कब से यानी कि फॉर्म फिलअप करना है, ठीक है? तो वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पर चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो हमारे यहाँ पर nta.ac.nikin जो कि यहाँ पर NTA की ऑफिशियल वेबसाइट है। सबसे पहले तो बात करेंगे आप सभी के जो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हुए कब से स्टार्ट होने वाले हैं। उससे पहले आप सभी को पता है कि जेईई मेंस रिगार्डेड हर एक ऑफिशियल अपडेट एंड ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको इसी चैनल के माध्यम से प्रोवाइड होती है। तो सबसे पहले तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना है। जो भी जेईई मेंस 2025-26 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनको गर्ल्स एंड बॉयज दोनों को यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना है, लिंक अवेलेबल इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स, जो कि हर एक ऑफिशियल अपडेट या फिर कोई भी ऑफिशियल नोटिस आता है, आप सभी का जेईई मेंस का ऑफिशियल ब्राउचर रिलीज होने वाला है वो भी आता है, तो कोई भी ऑफिशियल नोटिस आती है आपको सबसे पहले व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप सभी के इस बार रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होंगे और रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको जेईई मेंस सेशन वन का एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है। और हाँ गाइस, बहुत सारे स्टूडेंट एक गलती करते हैं जो कि आपको इस बार ये गलती नहीं करनी है, मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, ठीक है? देखिए, जैसे कि आप सभी के एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाते हैं तब जाके आपको यहाँ पर ऑफिशियली पता चल जाता है कि यह डॉक्यूमेंट लगने वाले आपको बनवाने हैं, ठीक है? तो स्टूडेंट क्या करते हैं उसी समय डॉक्यूमेंट बनवाना स्टार्ट कर लेते हैं। और आपको पता है कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट होते हैं जैसे कि कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, अदर डॉक्यूमेंट, लगभग 5 से 8 दिन आपके ले लेते हैं, ठीक है? तो आप मतलब तब क्या होता है, घर में से अगर कोई डॉक्यूमेंट बनाने वाला नहीं तो आपको खुद को जाना होता है, तो आपका टाइम वेस्ट हो जाता है। इससे अच्छा क्या करिए, अभी से आप डॉक्यूमेंट रेडी रखिए और ऑफिशियली मैंने आपको बता दिया है कि क्या कुछ डॉक्यूमेंट आपको लगने वाले हैं। यह वीडियो आपने नहीं देखा तो वीडियो आपको जरूर देखना है, लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूं, यह वीडियो जरूर देखिएगा। पर आप सभी की जो रजिस्ट्रेशन है नवंबर के फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएगा और डोंट वरी, मैं आपको एक स्टूडेंट का यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन है करके दिखाऊंगा और डेमो वीडियो में आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। साथ में एप्लीकेशन फॉर्म फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए मैं फिलअप करके आपको बताने वाला हूँ, उसी टाइप आपको वीडियो देख लेना है कि एक स्टूडेंट का फॉर्म फिलअप किस प्रकार होता है और किस प्रकार आपको कोई गलती न करके ईजिली आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। डोंट वरी, वो सब कुछ मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूँ, चैनल पर बने रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब देख लेते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या इस बार जो आप सभी का एग्जाम है लगभग एक या फिर दो सप्ताह पहले होने जा रहा है क्या? ठीक है, आपको पता है जो यहाँ पर ऑफिशियल एनटीए का वेबसाइट है nta.nic.in, ठीक है, उससे मैंने डाटा लिया है। देखिए, जेईई मेंस 2023 का जो सेशन वन का एग्जाम है, देखिए 24 से यहाँ पर स्टार्ट हो गया था, लगभग 7 दिन आपका जो है एग्जाम चला था 2023 में। उसके बाद देखिए 24 में ही आप सभी का जो एग्जाम है यहाँ पर 24 जनवरी 2024, ठीक है, यानी कि 2024 में 24 जनवरी से सेशन वन के लिए एग्जाम स्टार्ट हो गया था। प्रीवियस टू ईयर का पूरा डाटा मैंने आपको दिखा दिया है, ऑफिशियल मैंने आपको दिखा दिया। और बात करूँ इसकी तो यह जो आप गूगल सर्च कर रहे हो तो देखिए बहुत सारे आर्टिकल मैंने देखे, ये जब मैंने स्टूडेंट के मैसेज पढ़े तो बहुत सारे आर्टिकल मैंने रीड किए, ठीक है? सो डोंट वरी गाइस, ये बिल्कुल ही फेक है, यानी कि आपका ऑफिशियल नहीं है। बहुत ही जल्द ऑफिशियल जेईई मेंस 2025 का ऑफिशियल ब्राउचर रिलीज होने वाला है जो कि सितंबर के लगभग लास्ट वीक या फिर अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक रिलीज हो जाएगा। आपने चैनल को सब्सक्राइब किया तो आपको सबसे पहले ऑफिशियल नोटिस आते ही व्हाट्सएप ग्रुप पे पता चल जाएगा। और A1 एकेडमी को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि कोई भी ऑफिशियल अपडेट आते ही सबसे पहले आपको अपडेट मिल जाए। ये तो क्लियर हो गया कि जो आप सभी के एग्जाम है जनवरी सेकंड वीक से स्टार्ट नहीं हो रहे और बिल्कुल ऑफिशियल नहीं है गाइस, बिल्कुल फेक है, क्योंकि बहुत सारे आर्टिकल मैंने रीड किए जिसमें सेम दिखाई दे रहा है कि कोई आर्टिकल में जनवरी सेकंड वीक, जनवरी थर्ड वीक दिखाई दे रहा है। तो मोस्टली जो आप सभी का एग्जाम है 2025 में फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए लगभग 20 से 22 तारीख के बाद ही यहाँ पर आपका एग्जाम कंडक्ट होने वाला है। जैसे ही ऑफिशियल ब्राउचर रिलीज हो जाता है सबसे पहले आपको इसी चैनल के माध्यम से अलर्ट नोटिफिकेशन मिलने वाला है। साथ में व्हाट्सएप ग्रुप पे भी मैं यहाँ पर नोटिस आते ही डालने वाला हूँ, सो आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। और हाँ गाइस, जैसे बिल्कुल फेक न्यूज़ से बचिएगा, गूगल सर्च करके देख रहे हो या फिर कोई आर्टिकल पढ़ रहे हो और बिल्कुल मतलब स्ट्रेस ले रहे हो ऐसे मत करिएगा, आपको फोकस करना है क्योंकि आपके पास अभी कम दिन बचे हुए हैं, तो आपको बिल्कुल नेक्स्ट लेवल अपनी स्टडी को ले जाना है, सिलेबस कंप्लीट करना है, रिवीजन करना है, साथ में ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगा के, फुल मॉक टेस्ट लगा के आपको एनालिसिस करना है, इससे आपका जो स्कोर है बूस्टअप होता रहेगा। डोंट वरी गाइज, मैं आपके साथ हूँ, कोई भी अगर ऑफिशियल अपडेट आ जाता है, ऑफिशियल नोटिस, ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको अलर्ट नोटिफिकेशन देने वाला हूँ। सो सब्सक्राइब नाउ एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक्स।